लीनियर एलजेबरा से आपको टोटल क्वेश्चन जो आएगा सो फिफ्टी मार्क्स के क्वेश्चन आपको आते हैं तो आपको ये करना चाहिए अगर आप नहीं करते हैं तो फिर आपका डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, फिर एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं बनेंगे हेलो इज कुमार केशव फ्रॉम आई एस मैथ अकेडमी और आज से हम लोग एक नए सेशन का स्टार्ट कर रहे हैं जो कि बीपीएससी ऑडिटर मैथ्स ऑप्शनल का ये प्रैक्टिस सीरीज है यहाँ पे आप देख रहे हैं कि प्रैक्टिस सीरीज एक टॉपिक का नाम लिखा हुआ है जो कि लीनियर एलजेबरा है और उसके भीतर एक सब टॉपिक है जो कि वेक्टर सब स्पेस है ठीक है तो सर्टेन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे जैसे क्वेश्चन नंबर वन है सो दैट डब्लू इज अ सब स्पेस ऑफ बी इज इक्वल टू आर थ्री वी आर डब्लू कंसिस्ट ऑफ आस ई सम ऑफ द कॉम्पोनेंट्स इज जीरो ठीक है एक ये क्वेश्चन है इसको प्रूफ करना है कि वेक्टर सब स्पेस है सेकेंड क्वेश्चन इज सो देट डब्लू इज नॉट अ सब स्पेस वी आर डब्लू कंसिस्ट ऑफ ऑल दोन डज नॉट एक्सीड वन ठीक है तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है सो आपको तीन चार क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए हमने आपको दिया है तो इसको हम लोग फुल्ली सॉल्व करेंगे इस प्रैक्टिस सीरीज का मकसद क्या है पहले आपको ये चीज़ समझना चाहिए मकसद ये है कि हम टॉपिक्स के भीतर में प्रॉब्लम्स को सर्टेन प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस कर पाए ठीक है इस प्रैक्टिस सेशन का फायदा तभी होगा बच्चे जब आप इस टॉपिक के बारे में जान रहे हो ओके okay, तो अगर आपको इस टॉपिक्स में डिफिकल्टी है कुछ समझ में नहीं आता है तो हमारा बीपीएससी ऑडिटर का कोर्सेज चल रहे हैं आप उनको ज्वाइन करके आप क्लासेस को कर सकते हैं लेट्स कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन तो फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि सो दैट डब्लू इज अ सब स्पेस ऑफ वी इज इक्वल टू आर थ्री वेयर डब्लू कंसिस्ट ऑफ ऑल दो वेक्टर्स हो सम ऑफ कॉम्पोनेट्स इज जीरो इसका सम ऑफ द कॉम्पोनेट्स है वो ज़ीरो हो रहे हैं तो आपको पहले देखना होगा कि W जो है सो so एम है या नॉन एम है तो यहाँ पे आप लिखेंगे सिंस जीरो कॉमा जीरो कॉमा जीरो बिलोंग्स टू डब्लू एज ज़ीरो प्लस ज़ीरो प्लस ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो ठीक है ए प्लस बी प्लस सी कह रहा है ज़ीरो होना चाहिए तो ज़ीरो प्लस जीरो प्लस जीरो ज़ीरो ही होता है, है ना तो जीरो मा जीरो मा जीरो जो होगा सो डब्लू में होगा इसलिए डब्लू इज नॉन एम टी डब्लू क्या है बच्चे नॉन एम टी सेट है उसके आगे हम प्रोसीड करते हैं कि दो वेक्टर्स लेते हैं अल्फा एंड बीटा तो लेट अल्फा एंड बीटा लेट अल्फा एंड बीटा बिलोंग टू डब्लू है ना अल्फा को आप ले लो ए वन कॉमा बी वन कॉमा सी वन एंड बीटा को आप ले लो ए टू कॉमा बी टू कॉमा सी टू नाउ ए अल्फा प्लस बी बीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा तो ए टाइम्स ए वन कॉमा बी वन कॉमा सी वन प्लस बी टाइम्स ए टू कॉमा बी टू कॉमा सी टू ये बनेगा आपका ए ए वन प्लस बी ए टू कॉमा ए बी वन प्लस बी बी टू कॉमा ए सी वन प्लस बी सी टू ये जस्ट हमने इसको मल्टीप्लाई किया है स्केलर और वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन आप जानते होंगे कि के टाइम्स ए के टाइम्स यू वेयर यू इज बिलोंगिंग टू द वेक्टर स्पेस वी तो के इनटू यू भी जो होगा सो वेक्टर स्पेस में ही जाएगा तो उसी ढंग का ये मल्टीप्लिकेशन का ये रूल होता है तो अब यहाँ पे चेक करो कि इन तीनों का सम जो है सो क्या ज़ीरो हो रहा है तो ए वन प्लस बी ए टू ओके प्लस ए बी वन प्लस बी बी टू प्लस ए सी वन प्लस बी सी टू अब ये क्या होगा अब इसकी वैल्यू निकालनी है हमें अगर ये ज़ीरो हो गया तो ये वेक्टर स्पेस वेक्टर सब स्पेस ये बना देगा ठीक है तो आप यहाँ से कॉमन ले सकते हो ए वन ए बी वन और ए सी वन यहाँ से कॉमन ले लो ए तो ए वन प्लस बी वन प्लस सी वन प्लस बी अगर कॉमन लोगे तो आएगा ए टू प्लस बी टू प्लस सी टू इसका मतलब ये पार्थ वाला पार्ट भी जीरो है और ये भी पार्ट ज़ीरो है इसका मतलब ये जो हो जाएगा सो ज़ीरो हो जाएगा सो यहाँ पे लिख सकते हैं हैंस W फॉर्म्स अ vector subspace subspace of r3 ठीक है तो इस ढंग से क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना पड़ता है क्वेश्चन में आपने क्या देखा W बोलता है कि सबस्पेस ऑफ r3 है कि नहीं तो सबस्पेस का हमने क्राइटेरिया निकाला है नॉन एम्प्टी होना चाहिए अल्फा बी बीटा जो है सो so, W में होना चाहिए है ना, अल्फा एंड बीटा आर टू डब्लू, ओके, तो यहां पे जब beta, जब अल्फा और बीटा डब्लू में हो रहा है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं तो इतना अच्छे से अगर आप एक्सप्लेन कर दोगे तो आपका एक भी नंबर जो है सो, कटेगा नहीं और एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स अवार्ड करेगा ओके लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन तो इस क्वेश्चन में क्या रहा है कि W इज नॉट अ सब स्पेस ऑफ V इज इक्वल टू आर थ्री डब्लू कंसिस्ट ऑफ ऑल वेक्टर्स हुज लेंथ डज नॉट एक्सीड वन मतलब कि W के भीतर में ऐसे एलिमेंट्स हैं A कॉमा बी कॉमा सी टाइप्स के सच दैट है ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर इज लेस इक्वल टू वन तो आपको शो करना है कि क्या डब्लू सब स्पेस आर थ्री का बन रहा है कि नहीं बन रहा है क्लियरली लिखा है कि शो करना है कि नहीं बन रहा है तो कोई ना कोई क्राइटेरिया होगा जो सेटिस्फाई नहीं कर रहा होगा तो यहां पर सबसे पहले आप चेक कीजिए कि चेक वेदर डब्लू इज एम टी और नॉन एम टी एम टी है कि नॉन एम टी है तो कैसे देखेंगे सिंस जीरो 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 बिलोंग्स टू डब्लू एज जीरो का स्क्वायर प्लस जीरो का स्क्वायर प्लस जीरो का स्क्वायर लेस इक्वल टू वन है हेंस डब्लू इज नॉन एम्प्टी। डब्लू क्या बचे नॉन एम्प्टी है ठीक है अब हमें दिखाना क्या है दिखाना यह है कि W सब स्पेस आर थ्री का नहीं है अगर दिखाना होता कि W आर थ्री का सब स्पेस है तो अल्फा प्लस बी बीटा को हम लोग डायरेक्टली W के भीतर में दिखा देते लेकिन यहां पे दिखाना क्या है क्वेश्चन आप देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि W इज नॉट स्पेस ऑफ आर थ्री आरथ्री का सब स्पेस नहीं है इसका मतलब है कि हमें काउंटर एग्जाम्पल से जाना होगा ठीक है तो लेट अल्फा इज इक्वल टू वन कॉमा जीरो कॉमा जीरो ओके एंड बीटा इज इक्वल टू जीरो कॉमा जीरो कॉमा वन ओके सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होना चाहिए बच्चे वन कॉमा जीरो कॉमा जीरो प्लस जीरो कॉमा जीरो कॉमा वन

लेकिन होना क्या चाहिए वेक्टर सब स्पेस भी तो एक वेक्टर स्पेस है और वेक्टर स्पेस अगर आपने ढंग से पढ़ा है तो आप ये बात जानते हुए कि वेक्टर स्पेस में वी जो होता है सो प्लस के साथ ग्रुप फॉर्म करता है और साधारण ग्रुप नहीं कॉम्यूटिटिव अविलियन ग्रुप ही फॉर्म करता है तो यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है कि अगर मान लो अल्फा अगर वन कॉमा जीरो कौमा जीरो इस डब्ल्यू का मेंबर है बीटा अगर जीरो जीरो वन अगर मेंबर है ये तो मेंबर है ही क्योंकि आप इसका स्क्वायर करके देखो वन स्क्वायर प्लस जीरो स्क्वायर प्लस जीरो स्क्वायर दैट इज इक्वल टू वन दैट इज लेस इक्वल टू वन हाँ इक्वल टू वन है वन से छोटा या बराबर होना चाहिए तो ये चीज़ सेटिस्फाई कर रहा है सेम रीजनिंग गोज हेयर जीरो स्क्वायर प्लस जीरो स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर सो दैट इज इक्वल टू वन सो दैट इज ऑल्सो लेस इक्वल टू वन ओके इसका मतलब क्या है कि भाई अल्फा प्लस बीटा ही जब क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो वी के भीतर में जो डब्लू है तो डब्लू का एलिमेंट क्या हो रहा है आपको प्लस के साथ ग्रुप नहीं फॉर्म कर रहा है ठीक है क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है इसलिए लिख देंगे हेंस हेंस डब्लू इज नॉट अ वेक्टर सब स्पेस वेक्टर सब स्पेस ऑफ आर थ्री आर थ्री का ये वेक्टर सब स्पेस नहीं है इस ढंग से आपको आर्गुमेंट्स को बनाने पड़ते हैं और एग्जामिनर को सेटिस्फाई करना होगा कि भाई अपन जानते हैं हम डेफिनेशन पता है क्या करना है ये पता है क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है हम अच्छे से समझ रहे हैं ठीक है लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू शो दैट डब्लू इज अब स्पेस ऑफ वी वेयर डब्लू इज अ सेट ऑफ ऑल द फंक्शंस विच मैप्स थ्री इंटू जीरो मतलब वैसे सारे फंक्शंस का ये सेट है जो कि एफ ऑफ थ्री जो है फंक्शन में थ्री फुट करोगे जीरो देगा मतलब थ्री इज द रूट ऑफ दैट वेरी फंक्शन इन अनदर वर्ड्स वी कैन से दैट डब्लू इज अ सेट ऑफ ऑल फंक्शंस ऑल फंक्शंस हु वन रूट इज थ्री ओके ऐसे आपको सोचना है फाइन अब बताओ कि ये W को हमें दिखाना है क्या कि वेक्टर सबस्पेस है सबसे पहले हमें दिखाना होगा कि W इज नॉन एम टी डब्लू इज नॉन एम टी नॉन एम टी कैसे दिखाते हैं तो वही है एफ इज इक्वल टू आप जीरो ले लो कांस्टेंट फंक्शन एफ इजिकल टू जीरो लोगे वाईजिक्वल टू जीरो तो ये थ्री को भी सेटिसफाई कर ही जाएगा ये है ना वाई जिक्वल टू जीरो का ग्राफ कैसा होता है दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज द वाई एक्सिस आप इसको ऐसे फील कर सकते हो दिस इज आवर एक्स एक्सिस एंड दिस इज द वाई एक्सिस और फंक्शन का जो रूट होते हैं वो कैसे होते हैं जो कि एक्स एक्सिस पे कट करे जहां जहां एक्स एक्सिस पे कट करता है फंक्शन वो सारे रूट्स हो जाते हैं यहाँ यहाँ कट किया है ना अल्फा बीटा गामा डेल्टा अपसाइलन फाइव कुछ जहाँ पे भी ये कट कर रहा है वो सारे क्या हो रहे हैं इक्वल टू एफ एक्स के रूट्स बन रहे हैं तो हमें क्या दिखाना है कि वैसे सारे फंक्शंस का जो सेट है वो एक वेक्टर सब स्पेस बनाएगा ओके जो कि थ्री को जीरो पे मैप करेगा हमने तो दिखा दिया कि y इज इक्वल टू ज़ीरो का अगर आप ग्राफ अगर प्लॉट करो तो y इज इक्वल टू जीरो का जो ग्राफ होगा सो दैट विल बी लुकिंग लाइक दिस x एक्सिस x एक्सिस इज द y इज इक्वल टू ज़ीरो यहाँ पे हर एक कॉर्डिनेट का y कॉर्डिनेट ज़ीरो होता है ये आप जानते हो इसका मतलब ये हो गया भाई कि इसके जो रूट्स होंगे इनफिनाइट नंबर ऑफ रूट्स होंगे सारे रूट्स होंगे कोई भी रियल नंबर इसको सेटिस्फाई कर रहा है पूरे इंटायर एक्स एक्सिस को ये पर लाई कर रहा है इसका मतलब सारे रियल नंबर टू जीरो बराबर जीरो बिलोंग्स टू वेयर डब्लू सेट है ना नाउ लेट एफ वन इज इक्वल टू एक्स माइनस थ्री इंटू पी एक्स ऐसा क्यों ले रहे हैं क्योंकि हमें तो पता नहीं है कि फंक्शन का कितना डिग्री है दो डिग्री का है तीन डिग्री का है चार डिग्री का दस डिग्री का पता नहीं है लेकिन उसका एक रूट तीन है तो ये अगर एफ वन डब्लू में बिलोंग कर रहा है तो एक्स माइनस थ्री टाइम्स पी एक्स टाइप का होगा सिंस एफ वन बिलोंग्स टू डब्लू सिमिलरली सिमिलरली एफ टू आप मानोगे क्या एक्स माइनस थ्री टाइम्स क्यू एक्स क्यू एक्स मान लो ओके okay. इसका मतलब क्या हो गया भाई ये f1 और f2 ये दोनों हमारा W के भीतर लाई कर रहा है क्यों क्योंकि दोनों का रूट x बराबर थ्री है अगर आप इसको फैक्टराइज करो तो आप देखो x बराबर थ्री आएगा इसको फैक्टराइज करो तो यहां देखोग x बराबर थ्री आएगा तो सिंस वैसे ही फंक्शंस का समूह W है जिसका एक रूट तीन है तो इस एफ वन का भी एक रूट तीन है इस एफ टू का भी एक रूट तीन है इसका मतलब क्या है भाई एफ वन एफ टू जो है सो डब्लू का है। अब वेक्टर सब स्पेस में वैक्टरोगे तो भाई ए एफ वन प्लस बी एफ टू इसको भी दिखा दो है कि इसमें भी एक रूट तीन है मतलब एक्स माइनस थ्री का फैक्टर को हम बार कर देंगे ओके okay, बड़ा आसान है ध्यान से देखो यू विल लर्न इट वेरी क्विकली ओके बी टाइम्स एक्स माइनस थ्री इंटू क्यू एक्स अब इसको अगर आप सॉल्व करते हैं देन यू विल गेट व्हाट एक्स माइनस थ्री इंटू यहाँ पे हो जाएगा ए टाइम्स पी एक्स प्लस बी टाइम्स क्यू एक्स ओके तो यहां से क्या दिख रहा है यहां से भाई एक चीज दिख रहा है हमें यहाँ से हमें एक चीज बहुत अच्छे से दिख रहा है कि इस ए एफ वन प्लस बी एफ टू का एक रूट जो है सो हमारा एक्स बराबर थ्री है hence, हम लिख सकते हैं हेंस हेंस वी कैन से दैट से दैट ए एफ वन प्लस बी एफ टू यह बिलोंग करेगा W में इसलिए W फॉर्म्स अ वेक्टर सब स्पेस वी एस एस फॉर्म करेगा ये इतनी बातें अगर समझ में नहीं आ रही है जिसका मतलब आपका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं है इस टॉपिक के ऊपर में तो सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट को तैयार करो अगर आप सेल्फ़ स्टडी करते हो सेल्फ़ स्टडी करो अगर आप चाहते हो तीन महीने के भीतर में पूरे कोर्स को अच्छे ढंग से देखने का तो आप हमारा कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं ठीक है ऑडिटर का जो आपका बैच का कोर्स है वो लाइव हो चुका है है ना एक बैच एक फेबरवरी से स्टार्ट हुआ है और दूसरा बैच है सो तो एक मार्च से स्टार्ट हुआ है आप हमारा एप्लीकेशन आई एस मैथ्स एकेडमी डाउनलोड करें है ना और वहाँ पे आपको सारी जानकारी मिलेगी आपको अगर कोर्स परचेज करना है तो काफ़ी अफोर्डेबल कॉस्ट पे हम लोग पूरा कोर्स दे रहे हैं इवन बी पी एस सी सिक्सटी सेवन का रिकॉर्डेड क्लास भी आपको सिक्सटी सेवन का जो रिकॉर्डेड क्लास है वो आपको ऑडिटर वाले बैच में हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं ठीक है आराम से चीज़ों को पढ़ लो समझ लो क्वेश्चन बना लो ऐसे ही ऐसे ही क्वेश्चन हम लोग आपको प्रॉब्लम शीट में भी देते हैं जिसको आपको करने होते हैं और फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आराम से बना सकते हैं फिर टेस्ट सीरीज करके आप अपना और अच्छा लेवल इंक्रीज कर सकते हैं तो अगर आपको इस टॉपिक में अच्छे से अंडरस्टैंडिंग नहीं है एकदम बेसिक टॉपिक है वेक्टर सब स्पेस इसके बाद लीनियर डिपेंडेंसी इंडिपेंडेंसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को मैट्रिक्स में कैसे कन्वर्ट करते हो मैट्रिक्स को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में कैसे करते हो बेसिस डायमेंशन बेसिस डायमेंशन थ्योरम नलिटी रैंक नलिटी थ्योरम कई सारी चीज़ें हैं जो कि आपको पढ़ना है अगर आप ढंग से नहीं कर पाएंगे तो इससे आपको पचास नंबर का क्वेश्चन बचे आता है लीनियर एल्जेब्रा से आपको टोटल क्वेश्चन जो आएगा सो फिफ्टी मार्क्स के क्वेश्चन आपको आते हैं तो आपको ये करना चाहिए अगर आप नहीं करते हैं तो फिर आपका डिस्ट्रक्शन हो जाएगा फिर एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं बनेंगे ठीक है तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस वेरी सेशन हम लोग जल्दी एक नए वीडियो के साथ आएंगे जिसमें आपको बीपीएससी ऑडिटर के और सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए धन्यवाद जय हिंद